नमस्कार शर्मा जी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जनरल फिजिक्स के इस कोर्स में हम अपने नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इस पर आधारित जो एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। इससे पहले हमने ग्रेविटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर आधारित कुछ एमसीक्यूज को लिया था, तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी अनुग्रह शर्मा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। तो वाट, सेकंड, किलोवाट आवर, वाट या फिर जूल। तो देखिए एक एक करके अगर हम बात करें तो वाट सेकंड जो है वो एनर्जी की यूनिट है, क्योंकि पी इज इक्वल होता है डब्ल्यू अपॉन टी और डब्ल्यू इज इक्वल हो जाएगा पी इंटू टी। तो पी जो होती है उसकी पी यानी कि इसका इसको बोलते हैं पावर, तो शक्ति गुणा समय। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वाट सेकंड, ठीक है। ऐसी याद है किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर भी जो है वो एनर्जी की यूनिट है और जूल भी एनर्जी की यूनिट है, बचा क्या वाट। तो वाट जो है वो एनर्जी की यूनिट नहीं है बल्कि किसकी, पावर की यूनिट है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल यहां पर सही है, ये एनर्जी की यूनिट नहीं है। अगला है, वन किलोवाट आवर इज इक्वल टू, एक किलोवाट घंटा किसके इक्वल है इनमें से। तो ऑप्शन है यहां पर, वन जूल, हंड्रेड जूल, 36 जूल, 3.6 इंटू 10^3 किलो जूल। तो वन किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10^3 किलो जूल के इक्वल होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ए स्टोन ऑफ मास 1 kg इज राइज्ड थ्रू 1 meter हाइट। तो एक कोई भी 1 kg का पत्थर है जो कि 1 meter की ऊंचाई पर रखा जाता है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो हमें यहां पर ये देखना है, तो द लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय द स्टोन इज 1 joule। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कमी होती है 1 joule की। द गेन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय द स्टोन इज 1 joule। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उस स्टोन की, उसमें 1 joule की, उस 1 joule के का उसमें बढ़ोतरी होती है, फायदा होता है। या फिर द लॉस ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 9.8 joule, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है 9.8 joule की। या फिर द गेन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 9.8 joule, या फिर 9.8 joule वृद्धि होती है। तो देखिए क्या होता है कि जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वो होता है U इज इक्वल टू एम जी एच। तो M की वैल्यू यहाँ पर 1 kg दे रखी है और H की वैल्यू दे रखी है 1 meter, बचा क्या G, ठीक है। तो G जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.8। तो 9.8 जो है वो है इसका मान, इसका मतलब जो फायदा होगा एनर्जी का वो होगा 9.8 joule, ठीक है। तो जब हम 1 meter की ऊंचाई पर रखेंगे किसी भी पत्थर को 1 kg के, तो उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो गेन होगी। तो 9.8 joule, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क सजेस्टेड दैट द वर्क इज सेट टू बी डन इफ। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्क, तो वैज्ञानिक तौर पर जो मान है वर्क का वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो ए फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो जो बल है किसी भी ऑब्जेक्ट पर कार्य करता है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस होना यानी कि विस्थापित होना जरूरी है। अगला यहां पर दे रखा है, एनर्जी मस्ट बी कंज्यूम्ड एंड बोथ ए एंड बी। तो वर्क की जब हम डेफिनेशन देते हैं तो वर्क इज इक्वल होता है एफ इंटू डी, ठीक है। तो वर्क W इज इक्वल होता है F इंटू डी। तो F यानी कि फोर्स पर भी डिपेंड कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन पर भी निर्भर कर रहा है। तो अब यहां पर देखिए, दोनों ऑप्शन जो A और B कह रखा है उसमें कहा है कि फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, तो बिल्कुल किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स पर तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि उस वस्तु का विस्थापन हो। तो दोनों ही A और B दोनों ही सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर D जो है बोथ A एंड B ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी विल बिकम 8 times ऑफ। तो जो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की है वो 8 गुना हो जाती है यदि, इफ इट्स मास इज मेड 4 times,
इसका जो द्रव्यमान है वो चार गुना हो जाता है. इट वेलोसिटी इज मेड फोर टाइम्स, इसकी वेलोसिटी चार गुनी हो जाती है. बोथ द मास एंड वेलोसिटी आर डबल, या फिर दोनों द्रव्यमान और वेलोसिटी दोनों ही दोगुने हो जाते हैं, या फिर बोथ मास एंड वेलोसिटी आर मेड फोर टाइम्स, या फिर दोनों चार गुने हो जाते हैं. तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो E इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होती है. ठीक है, तो अगर हाफ एम बी स्क्वायर है तो यहां से अगर हम द्रव्यमान m की वैल्यू दोगुनी कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2m. ठीक, और इसके बाद अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं तो वो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना मिलेगा हमें, 8 मिलेगा. तो हाफ एम बी स्क्वायर, तो 8 मल्टीपल कब होगी, जब हम मास और वेलोसिटी को दोगुना कर देंगे. इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम द हाइट. तो कोई भी एक बॉडी है जो कि फ्रीली नीचे की ओर गिर रही है, मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही है, उसके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा. तो ओनली ए पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, केवल उसके पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि हो रही है. ओनली द काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, केवल उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है. बोथ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, दोनों वृद्धि हो रही है. काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है. डी ऑप्शन है इसमें, द काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग वाइल पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, जबकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी घट रही है. ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या कहता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी में कमी होगी, और काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी. तो कोई भी बॉडी अगर ऊपर से गिर रही है तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा, काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन इज डिफाइंड एज, तो वर्क डन किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. ऑप्शन है यहां पर, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रोडक्ट के द्वारा. डिस्टेंस थ्रू विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, उस दूरी के द्वारा जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गेटिंग डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है उसके द्वारा, या फिर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड मास. तो प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड मास के द्वारा. तो देखिए क्या है कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है जिसमें कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल सही होगा. अगला क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाई ए बॉडी ऑफ मास एम आफ्टर ट्रेवलिंग अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स इज. तो कोई भी एक बॉडी है जिसका द्रव्यमान यहाँ पर m कहा गया है और उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, किसी भी काइनेटिक एनर्जी से वो ट्रेवल कर रहा है. तो अब यहाँ पर बताना है कि जो उस पर एक कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करेगा तो किस पर करेगा. ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास m, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास m, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास अंडर रूट m, या फिर डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ मास m. तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो कॉन्स्टेंट फोर्स की कही गई है और अंडर द एक्शन कॉन्स्टेंट फोर्स. तो ये जो है वो वैल्यू बताता है कि जो फोर्स है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है. इसका मतलब है कि वो उसके जो डिपेंड करता है F, वो डिपेंड करता है m इंटू ए पर. तो m इंटू ए यानी कि मास जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है, ए तो वेरी करेगा लेकिन मास जो है वो वेरी नहीं करेगा. तो मास तो इंडिपेंडेंट है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट है, इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट मूव्स विद वेलोसिटी वी वन द पावर विल बी. तो कोई भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पर और वो वी वन वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसकी पावर कितनी होगी, शक्ति का मान कितना होगा. तो शक्ति यहां पर देखिए, पी इज इक्वल होता है डब्ल्यू अपॉन टी. तो W इज इक्वल होता है F इंटू डी, डी अपॉन टी इज इक्वल होता है V. तो इसका मतलब जो यहां पर ऑप्शन नंबर ए है F इंटू V, ये पावर के इक्वल होगा. इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू.
द न्यू मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विल बी, तो किसी भी एक बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोगुनी कर दी जाती है उसकी प्रारंभिक मान से, तो उसका जो नया मोमेंटम है, संवेग है उस बॉडी का, वो कितना होगा? तो संवेग का मान अगर हम निकालेंगे तो P इज इक्वल होता है अंडर रूट 2KM। तो यहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी दोगुनी कर दी जा रही है, तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 2 × 2KM, तो अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2KM, तो अंडर रूट 2KM जो होता है वो P के इक्वल होता है। इसका मतलब यहां पर जो मान निकल के आएगा वो आएगा अंडर रूट 2 times। ऑप्शन नंबर B यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ वर्क डन इज, तो वर्क डन की जो यूनिट है वो कितनी होगी? तो ऑप्शन से यहां पर देखिए जूल है, न्यूटन मीटर है, कैलोरी है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है, एक तो जूल होती है, ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि वर्क डन की यूनिट जूल, तो जूल होती है। और वर्क जो होता है वो होता है एफ इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ इंटू डी का मतलब हो गया एफ की तो यूनिट होती है न्यूटन और डी की यूनिट होती है मीटर, तो डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसकी यूनिट होती है मीटर। तो एक यूनिट और निकल के आ गई जो कि है न्यूटन मीटर। अब बाकी जो कैलोरी है ये हीट की यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है जिसमें कहा गया है बोथ ए एंड बी, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद स्पीड 10 m/s इज 30 J। इफ इट्स स्पीड बिकम्स 30 m/s इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की है जिस जो कि जो बॉडी मूव कर रही है 10 m/s की, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 30 J है। और अगर वही बॉडी 30 m/s से मूव करे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो हम यहां पर पहले क्या करेंगे, E इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर से m की वैल्यू निकालेंगे। E की वैल्यू यहां पर दे रखी है और वेलोसिटी v की वैल्यू भी दे रखी है, तो यहां से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा E 2E/V2। तो यहां से जो हम m की वैल्यू निकालेंगे वो मिलेगी हमें 0.6, तो m की वैल्यू तो मिल जाएगी हमें 0.6। ठीक है, यहां से फिर जब m की वैल्यू मिल जाती है हमें, तो फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहां पर m की वैल्यू हमें दी है और v की वैल्यू दी है, हमें क्या निकालना है, E की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा मतलब 900 मल्टीप्लाई बाई 0.6 डिवाइडेड बाई 2, तो ऑप्शन जो यहां पर 270 J है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू कंप्रेस ए कॉइल स्प्रिंग यू डू वर्क ऑन इट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप किसी भी एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, प्रत्यास्थ जो स्थिति ऊर्जा है उसका मान कितना होगा? तो देखिए क्या है ऑप्शंस में, इंक्रीजेस बढ़ेगा, घटेगा, डिसअपीयर या फिर रिमेन्स द सेम। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, क्योंकि हम स्प्रिंग को दबा रहे हैं और दबाने पर उसमें स्थिति ऊर्जा कंजर्व हो जाती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगी, तो लगातार जैसे जैसे हम उसको दबाएंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, वर्क हो रहा है, कार्य जब हो रहा है तो उसमें जो कार्य है वो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, यानी कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है इंक्रीजेज वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है नो वर्क इज डन व्हेन, तो कोई भी कार्य नहीं होगा यदि, कब नहीं होगा, जब देखिए क्या है, ए नेल इज प्लग्ड इंटू ए वुडन बोर्ड, ए बॉक्स इज पुश्ड अलॉन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कार्य कब नहीं होगा, जब कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा फोर्स का डायरेक्शन के साथ, ठीक है, जब कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा फोर्स का डायरेक्शन के साथ, तो उस समय कोई भी कार्य नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन बाय द फोर्स कैन बी, तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना होता है, ओनली पॉजिटिव होता है, ओनली नेगेटिव होता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो वर्क डन जो होता है वो दोनों ही प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखते हैं कैसे, अगर हम किसी भी एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसी डायरेक्शन में वो मूव करती है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे द्वारा फोर्स अप्लाई किया गया है वो पॉजिटिव है।
बट अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसका मतलब वहां पर जो उसकी वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं फोर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन। पोटेंशियल एनर्जी आपकी बॉडी की मिनिमम कब होगी? तो आप यू आर स्टैंडिंग, आप खड़े हैं तब, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, आप कुर्सी पर बैठे हैं तब, यू आर सिटिंग ऑन अ ग्राउंड, आप ग्राउंड में बैठे हैं तब, या फिर यू लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, आप लेटे हुए हैं ग्राउंड में तब। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तब होती है जब हम ऊंचाई पर होते हैं, ऊंचाई पर निर्भर करती है पोटेंशियल एनर्जी MGH। तो अगर हम लेटे हुए हैं ग्राउंड में तो हमारी हाइट मिनिमम होगी, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो बिल्कुल सही होगा, यू लाई डाउन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 meter, इट्स काइनेटिक एनर्जी एज इट टचेज द ग्राउंड इज। तो किसी भी एक 2 kg के द्रव्यमान की बॉडी को ऊपर से फेंका जाता है, जिस हाइट यहाँ पर 1 meter, 1 meter की ऊंचाई से फेंका जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू हम पहले निकालेंगे बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पर u की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी वो 0 होगी। तो v इज इक्वल हो जाएगा 2gh, और यहाँ से हम पहले v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो v की वैल्यू जब निकल के आएगी, v की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, यहाँ पर v की वैल्यू जो भी निकल के आएगी, तो वहां से हम फिर e की वैल्यू निकालेंगे, e इज इक्वल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान मिलेगा हमें 19.6 joule। ठीक है, तो 19.6 joule जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इंडिकेट्स दैट। तो नेगेटिव वैल्यू जो होती है वर्क डन की वो इंडिकेट करती है, किसको इंडिकेट करती है? तो ऑप्शन से यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। फोर्स देन वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो एक से ज्यादा बल किसी भी ऑब्जेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंड द फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कह रहा है बोथ बी एंड सी। तो नेगेटिव फोर्स तब होता है जब हम कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमारी अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो एक तो नेगेटिव होगा, दूसरा जो फोर्स है वो और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तब भी क्या होगा, फोर्स जो वर्क है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो दोनों ही केस बी एंड सी सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, वर्क डन इज जीरो व्हेन। तो वर्क डन जीरो होगा कब? तो ऑप्शन से यहां पर देख लीजिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी आर इन द सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन होंगे तब, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए, वर्क डन जीरो तभी होगा जब हम किसी भी डायरेक्शन किसी भी बॉडी पर उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन है वो जीरो होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द एनर्जी ऑफ 4900 joule वॉज एक्सपेंडेड इन लिफ्टिंग ए 50 kg मास। तो किसी भी एक 50 kg के द्रव्यमान पे अगर 4900 joule ऊर्जा लगाई जाती है तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, उसकी ऊंचाई की ज्ञात करनी है हमें। तो U इज इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी MGH। तो M की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 50 kg और U की वैल्यू दे रखी है 4900। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो G की वैल्यू होती है 9.8, सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो H की मिलेगी जो कि होगा 10 meter।
इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 10 मीटर, 10 मीटर की ऊंचाई पर वो पहुंचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल समझ में आ गए हैं, इनके एक्सप्लेनेशन आप समझ चुके हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, कीप स्माइलिंग।